को फोन कर टाइमिंग बदलने की बात कही है। दीपक कुमार ने दो बार उन्हें फोन किया, शिक्षा मंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। पाठक लेकिन लिखित आदेश के लिए तैयार नहीं है। शनिवार को केके पाठक दिल्ली रवाना हो रहे हैं, 3-4 दिन के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार केके पाठक को तलब कर सकते हैं। सूत्र हमारे बता रहे हैं 9 से 5 स्कूल करने को लेकर उनसे बातचीत कर सकते हैं, यानी अभी जो स्कूल का टाइमिंग चल रहा है 9 से 5 बजे तक का, उसे 10 से 4 करने की बात कही जा सकती है। बिल्कुल, तो स्कूल 9 से 5 करने के निर्देश और लिखित आदेश जारी करने का निर्देश जारी हुआ और दीपक कुमार ने फोन से बातचीत भी की और ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से लगातार सरकार कुछ और कह रही है कि पाठक अपने फैसले पर अड़े हैं और इस बीच रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, 3 से 4 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, और सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है जहां शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दिया है, तो टाइमिंग को लेकर के पाठक अड़े हुए हैं, सीएम के पाठक को तलब कर सकते हैं। बिल्कुल, तो टाइमिंग में जो बदलाव की बात कही जा रही है, 9 से 5 के पाठक के हिसाब से टाइमिंग सेट की गई है। और आपको बता दें, बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि 10 से 4 बजे तक स्कूल चलेंगे, जिसमें 9:45 पर शिक्षकों को पहुंच जाना होगा और 4:15 पर वहां से निकलेंगे, लेकिन अभी तक ये बदलाव नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर आज खबर है कि सीएम नीतीश कुमार के पाठक को तलब कर सकते हैं।